नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और स्वागत है सबका द्वारा मेरे YouTube चैनल लैक्टोबी में। तो दोस्तों, जहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोया माइक को लेके। बोया माइक के ऊपर मैं पहले भी दो तीन वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक इसकी अनबॉक्सिंग के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था इसके प्राइस के बारे में या फिर इसके साथ कौन कौन सी एसेसरीज आती है। एक और मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप उसको आईफोन के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी नए आईफोन आते हैं या फिर अभी तो दूसरे जितने भी मोबाइल आ रहे हैं उसके साथ आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता, वो भी मैंने बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोया माइक को लेने के बाद 3 महीने लेने के बाद उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। तो ऑलमोस्ट मेरे को जहां पे बोया माइक लिए हुए 3 मंथ हो चुके हैं। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो जब हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उस टाइम तो हम बोल देते हैं यार प्रोडक्ट बहुत सही है, लेकिन उसकी जो असली जो क्वालिटी की बात करें या फिर उसको तभी पता चलता है हमको जब उसमें 3 महीना या फिर 4 महीना हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3 महीने बाद बोया माइक में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि 3 महीने के बाद कौन सी इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बाकी बात करते हैं इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी की बात करें, वायर की क्वालिटी की बात करें, एसेसरीज कौन कौन सी होती है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी वायर की बात करते हैं ना, जहाँ पे मैंने जब इसको नया परचेस किया था अनबॉक्सिंग करते टाइम आपको बोला था कि इसकी जो वायर की लेंथ की जहाँ पे लेंथ तो चलो ठीक है, क्वालिटी की बात करें तो मेरे को थोड़ी सी ये वायर की क्वालिटी ठीक नहीं लगती है। तो जहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना, बहुत बार ऐसी इसकी वायर की बात करें ना, बहुत लंबी वायर है इसकी, कोई भी मतलब कि आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसमें आपकी जो वायर आपको कम पड़ रही है। अगर आप दूर से भी शूट करते हो फिर भी जो आपकी क्वालिटी होगी बहुत सही होगी। सबसे पहले मैं आपको जहाँ पे बताऊँ ना, जहाँ पे मेरे जब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये जो वायर होती है ना मेरे पाँव में फंस जाती है, ऐसे करके कभी खींच लेता हूँ, या फिर बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन इसकी वायर की क्वालिटी की बात करें, मेरे को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि अभी तक ये वायर में मेरे को कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। वायर की बात करें तो काफ़ी सही वायर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वायर है। उसके बाद हम बात करते हैं जहाँ पे इसकी जो जैक की बात करें ना, जहाँ पे जैक की इसकी बात करें, जो इसका ऑडियो जैक है 3.5 mm, तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे करके जब लगाता हूँ ना अपने मोबाइल में, तो कई बार ये होता है काम नहीं करता, फिर मेरे को क्या करना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता है, फिर दोबारा ऐसे करके लगाना पड़ता है, फिर ये काम करता है। कभी कभी तो क्या होता है कि मैं ऐसे करके मोबाइल में इसको अटैच करके आ जाता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, जब वीडियो पूरा बन जाता है तब मैं देखता हूँ यार इसकी वॉइस तो रिकॉर्ड हुई नहीं, फिर मेरे को दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हर बार तो नहीं होता, आई थिंक कभी कभी 1 हफ्ते में 3-4 बार तो ऐसा ये कर देता है। उसके बाद मैं बताऊँ आपको कौन सी प्रॉब्लम है। उसके बाद मेरे को जहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, ये वाला जो स्विच है, इस स्विच की बात करें, इन्होंने बोला कि अगर आप जहाँ पे अगर आपको स्मार्टफोन के ऊपर जो वीडियो रिकॉर्ड करने का है तो आप इसको नीचे करें, अगर आपको कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड करने का है तो इसको आप ऊपर करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको मैं जहाँ पे स्मार्टफोन के ऊपर भी रखता हूँ वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड होती, फिर मेरे को क्या करना पड़ता है कि इसको कैमरा के ऊपर करना पड़ता है फिर रिकॉर्ड होती है, क्योंकि मेरे को पता नहीं ये क्यों ऐसा होता है। फिर इसके अंदर जो बैटरी होती है, जब मैं इसको हम कैमरा के ऊपर करते हैं ना सिलेक्ट ये वाली ऑप्शन को, फिर ये इसके अंदर जो बैटरी होती है उसके साथ फिर ये काम करता है। तो मेरे को इस बात का भी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, हर टाइम तो नहीं होती। उसके बाद जहाँ पे बात करते हैं जो मेरे को इसके साथ एसेसरीज मिली थी, सबसे पहले मेरे को ये वाला पाउच देख सकते हैं आप, ये वाला मिला था। लेकिन इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये भी काफ़ी सही क्वालिटी है, मैं इसमें जो माइक को डाल के रखता हूँ तो इसको मैं काफ़ी रफ तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं जैसे करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका जो पाउच है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेंगी। साथ में मेरे को अगर आप इसको कैमरा के साथ अगर अटैच करने का आपको जो माइक्रोफोन को, तो आपको ये वाला जो जैक है ये साथ में मिलता है। इस जैक की जहाँ पे बात करें तो भाई ये भी काफ़ी सही है, मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, कैमरा के साथ भी मैं अपने माइक्रोफोन को अटैच करता हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। अभी अगर बात करूँ ना जहाँ पे मैं इसको अकेले में यूज़ करता हूँ ना तब प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ यूज़ करता हूँ फिर मेरे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर अकेले में यूज़ करता हूँ फिर भी मेरे को कभी कभी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा टाइम मेरे को ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसके बाद अभी ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन वायर की बात करें वायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बस ये जो दो मैंने आपको बताई थी ना ये मेन प्रॉब्लम होती है। तो बाकी बात करें ना ओवरऑल इस माइक्रोफोन के बारे में, तो भाई बहुत सही इसकी क्वालिटी है, बल्कि वायर की क्वालिटी की बात करें, या फिर आप देखेंगे ना जहाँ पे इनका जो मेन डिवाइस इधर लगा हुआ ना इसकी बात करें तो भाई इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है। ये ऐसे स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे क्लिप की बात करें, जो पीछे क्लिप है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 महीने मेरे को यूज़ करने के बाद बोया माइक का, अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको ये परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, अगर तो भाई आपको जो 700-800 आई थिंक अभी इतना प्राइस चल रहा है अमेजोन के ऊपर, बहुत सारी अभी तो सेल भी आपको देखने को मिल रही है, अगर तो आपको इतने प्राइस में मिलता है
तो काफ़ी सही है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, मैं बहुत रफ तरीके से इसको यूज़ करता हूँ, मैं सही बात बोलूँ ना, कभी उधर फेंक दिया मैंने, उधर फेंक दिया, बहुत ऐसे यूज़ करता हूँ रफ तरीके से। बात करें तो काफ़ी सही है, मेरे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी देखने को नहीं मिलती। हाँ एक बात और, जब भी आप इसको अटैच करते हो ना अपनी टी शर्ट के साथ या फिर जो भी आपने पहना होता है, अगर कभी कभी क्या होता है, इसका जो सामने ऊपर वाला पार्ट होता है ना, अगर थोड़ा सा भी ऐसे करके इसके साथ जो रब होता है ना कोई भी टी शर्ट के साथ या फिर जो कभी कभी तो मेरी जो नीचे दाढ़ी होती है अगर उसके साथ भी थोड़ा सा ऐसे करके रब होता ना, तो ये उसकी वॉइस को बहुत जल्दी कैच करता है और डिस्टोर्शन आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप जब भी इसको यूज़ करते हो थोड़ा सा ऐसे जो होता है ना कोई स्पेस ले, स्पेस रखे, अगर आपके पास टी शर्ट है टी शर्ट से भी थोड़ा सा इसको दूर रखे, स्पेस रखे, फिर लगाएं, या फिर अपना ऊपर वाला जो फेस है आपका, चाहे चिन की बात करें या फिर नेक की बात करते, तो उसे थोड़ा सा दूर रखे फिर इसको अटैच करें। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसी टाइम अगर आप चाहो ना कि उसकी क्वालिटी का पता करें, तो हम ज़्यादा उसकी क्वालिटी का पता नहीं लगा सकते, जस्ट हम तब जो रिस्पॉन्स दे रही होती है कोई भी डिवाइस होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, मोबाइल की बात करें, टैबलेट की बात करें, तब जो अनबॉक्सिंग के टाइम पे जब वो प्रोडक्ट होता है वो नया होता है, तब जो रिस्पॉन्स देता है हम उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताते हैं कि भाई ये इस तरह काम कर रहा है, इस तरह हो सकता है ये फ्यूचर भी ऐसे काम करे। लेकिन असली जो रिव्यू की बात करें तो भाई अगर जब भी हम किसी भी चीज़ को 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद उसका रिव्यू देते हैं तो असली उसकी क्वालिटी का तब ही पता लगता है। तो दोस्तों यही था जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहता था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्तों मेरे नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के वो भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।